पाकिस्तान के इमेज के बारे में जो भी बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि हर कोई ये मफरूज़ा बनाता है इवन आई एम एफ ये मफरूजा बनाता है कि भाई इनके हालात बड़े ख़राब हैं तो कंडीशनैलिटीज़ अपनी मनवा लें ये इमेज का तो अब बड़ा गहरा चैलेंज है हमारे सामने देखें ये तो बहुत बड़ा पैराडॉक्स है हालात ख़राब हों तो ऐसे रिस्पॉन्स में नीजा एक रिएक्शन भी उतनी स्पीड से आता है तो फिर तो आपको रिस्क लेना ही नहीं चाहिए अगर आपको पता है कि अगर स्टेबिलिटी आपके ऑन द सर्फेस ऑफ इट कम है तो फिर तो इंस्टिगेट भी नहीं करना चाहिए ऐसी स्टेट को दूसरी बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इन तमाम मिसालें जो आपने दी हैं उसमें वो स्टेट और गवर्नमेंट की डिस्पैरिटी की है गवर्नमेंट एपस, की एबसेंस में स्टेट एबसेंट नहीं होती उसकी वजह कि स्टेट रिस्पॉन्ड तो करती है चाहे अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है तो क्या अगर ऐसी सिचुएशन आएगी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा करेगा बिल्कुल जो किया आज तो मुझे ये लगता है कि ईरानियन स्टेट का जो नेचर है वो किसी है अगर कंपेरेबल है तो वो नॉर्थ कोरियन मॉडल से हो सकता है कि एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बाहर बैठी हुई स्टेट विच हैज़ नथिंग टू लूज एट ऑल को डू एनी थिंग आउट ऑफ एनी वेयर तो उससे नज़र यही आता है कि चूंकि आपकी ब्लैक मार्केट भी एग्जिस्ट करती है आपकी जो स्मगलिंग uh, का एक बहुत बड़ा रैकेट है वो भी एग्जिस्ट करता है तो कोई भी चीज़ इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसकी मुताबिकत से नहीं की जाएगी हालाँकि ऐसी रियासत का जिसके अपने ये हालात हैं आपने जो प्रोफाइल किया पाकिस्तान के भार में ये मफरूजा बनाना है कि मजबूरियाँ इनकीट्स वेरी एज वेल क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो स्टेट है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोक नहीं पा रही तो आप सीस्तान रीजन में क्लेम करते हैं कि पिछले महीने 11 सिपाहियों को मारा था हमारे तो इसीलिए उसका रिस्पॉन्स है तो पहले आप डिसाइड कर लें कि क्या ये जेनविन ग्रीवेंस है या अमेरिका को सिग्नल देना है क्योंकि अगर तो आप सिर्फ एक कॉस्मेटिक सिग्नल देना चाहते हैं तो फिर तो ग्रीवेंस को भूल जाएँ आप तो सिस्तान वाले रीजन में जो अटैक हुआ या पिछले साल जो अटैक्स हुए अगर उसको लिंक भी करते हैं यू हैव टू ठीक इस तरह तो मोदी साहब भी कर लेते हैं हर हर, हर, मरतबा के इलेक्शन से पहले इमेज मैं इसको एक मुख्तलफ एंगल से सोच रहा हूँ वो ये है कि ईरान की ये जो कार्रवाई है इसका एक लिंक ये भी बनता है कि पाकिस्तान पिछले बीस साल से एक इल्ज़ाम धोता आया है कि हम अमेरिका के फ्रंट लाइन अलाए नहीं हैं ठीक अफगानिस्तान के हवाले से ईरान की इस कार्रवाई से एक दफ़ा फिर जब अमेरिका उस आ, अमेरिकन ब्लॉक में पाकिस्तान जाएगा तो ईरान इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन फॉर्ट लाइन हैं पहले हमने एक सेक्ट को इस बात में नाराज़ किया और फिर वजाहतें दी कि हम अमेरिकन इतहादी नहीं हैं तो अब अगर हम इस मामले में अमेरिका के साथ जाते हैं और रिस्पॉन्स थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो उससे फिर वो जो एक दूसरी सेक्टेरियन फॉर्ट लाइन है उसकी तरफ से हमें अंदरून मुल्क एक मजाहमत का सामना होगा जिसमें एक दफ़ा फिर रियासत के ऊपर अमेरिकन फ्रंट लाए होने का एक इल्ज़ाम जो है वो दोबारा अमेरिका से पहले तो, तो शायद सऊदी अरब होगा फिर यूएई होगा बराबर में तुर्की भी है तो या तो आपने हवाला दिया था बालाकोट के मामले का उसके अंदर तो तो हिंदुस्तान इन्वॉल्व था जिसका एक डिफरेंट स्टैंडिंग है ईरान की वो स्टैंडिंग नहीं है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड है तो या तो हो तो बहुत आपके पास दाने हों भूनने के लिए तो दाने तो उनके पास नहीं हैं तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस यकीन है लेकिन इमेज को भी हमें रिस्टोर करना है सो नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स बहुत क्रूशल हो सकते हैं नहीं आ, बिल्कुल हो सकते हैं इशू ये है कि ईरान के इशूज़ के साथ साथ मेरा ख्याल है पाकिस्तान की रियासत अपनी चीज़ों को भी मैयर कर रही है आ, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान और भारत का मवाजना बिल्कुल अलहदा है पाकिस्तान ईरान का मवाजना बिल्कुल अलहदा है आ, लेकिन रियासत ने जब इन चीज़ों को देखना होता है तो शायद वो जोश और जज्बे से नहीं होश से और इस चीज से वो अपने रिस्पांस को कैलकुलेट करते हैं लेकिन होश के नाम पे बेहोश भी नहीं होना चाहिए ना मतलब आपको बिल्कुल नीम बेहोश की हालत हालत में भी नहीं होना चाहिए बॉर्डर के ऊपर हमला हुआ है मिजाइल मारे गए हैं बंदे आपके इलाक हुए हैं तो तीसरा बॉर्डर भी खुल गया है तो मैं जरा उस तरफ स्विंग करता हूँ बट आई वट यूंग कमरान बुखारी अगर यू हे मी आवाज़ आ रही है आपको जी जी आ रही है मुझे ज़रा इसके ऊपर मैं जाना चाहूँगा डिबेट जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि जब बरह मीडिया से आप उस आपका ताल्लुक नहीं है जो मेन्ट्री मीडिया है लेकिन पाकिस्तान के अंदर डिबेट भी कोई बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं हुई आ, हमने सुबह देखा कि रिस्पांस ना होने के बराबर था बल्कि हैरानकुन सूरत हाल थी कि तमाम दुनिया के अंदर ये आ, तीसरी या चौथी या दूसरी हेडलाइन बन रही थी पाकिस्तान के الحمدللہ, चैनल्स ने इसको टिकर के पर चलाना भी तो किस्म की, की हालत देखते हैं तो आपको क्या लगता है संजीदगी से देखते नहीं हैं बहुत हम पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस्ड हो गए हैं या क्या जी देखें आम आदमी क्या देखता है बाहर से बैठ के वो तो ए, you know, ईरान क्या क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा रहा है है जो प्लेयर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं ह्यूज कि अगर आपके मुल्क में डिबेट नहीं हो रही है दिस इज नॉट ब्रॉट अप तो ईरान जैसा मुल्क ऐसी चीजों को देख के है ना यार ये तो बात भी नहीं कर रहे तो हमारा जो है ना बैट पे ऑफ कर गया तो द, 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 मुल्क के अंदर डिबेट ना कराना मीडिया पे जो है इसका ना आना ओनली गोज अगेंस्ट पाकिस्तान अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और पॉइंट बनाऊं uh, कि ईरानियन मिस कैलकुलेशन के हिसाब से देखें आई थिंक ईरान जो है वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है इन द सेंस कि वो देख रहा है कि अमरीका और अमरीका की जो बाइडन इंतजामिया है वो मुसीबतों में घिरी हुई है और इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर कभी ये पहले नहीं हुआ कि अमरीका के अंदर और आलमी सतह पर इसराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा आवाज उठाई जा रही है आई थिंक दैट गिव्स देम यू नो कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस और उसमें फिर ये होता है कि फिर आप वो मिस कैलकुलेशन जोन में चले जाते हैं तो आई थिंक कि ये जो हो रहा है ये आ, थोड़ा मिस कैलकुलेट कर रहा है ईरान लेकिन ईरान के अंदर ये भी एक व्यू है हॉकिश एलिमेंट्स में जो मिलिट्री के अंदर हैं बिलखसूस आई आर जी सी और क्लैरिक्स के अंदर जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि जो है अगर जंग होती है तो हमारे बहुत सारे अंदरूनी जो मसाइल हैं वो हम उन पर काबू पा सकते हैं क्योंकि उस जो लोग हमारे खिलाफ हैं ये रियासत कमजोर हो चुकी है डिके कर रही है वो सारे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं अगर जो है हम अगर कोई बाहर से कोई जंग हो जाए उसमें यह है कि वो ये भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि अमेरिका जो है कोई बड़े पैमाने पे ईरान पे चढ़ाई नहीं करेगा ज्यादा से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स होंगी जवाबी कार्रवाई होगी उसके बाद मेज पे आ जाएंगे सो इट्स वो ये देख रहे हैं कि विन विन सिचुएशन है और गलत सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं ये तो वक्त बताएगा लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आई थिंक एस्केलेशन की जो लैडर है उस पर ऊपर जा चुके हैं कि नाउ इन द जोन जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं फिर आपसे गलतियां होती हैं एहसान अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ क्विकली और कामरान यूसुफ से भी चाहूंगा इसको रिस्पॉन्ड कर दें क्योंकि ब्रेक में थोड़ा सा वक्त रह गया आ, मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में ये डिबेट बिल्कुल नहीं हुई उन घंटों में जिन घंटों में होना चाहिए था हमारे लिए ज्यादा अहम लग रहा था कि शेख रशीद की जमानत कैंसिल हो गई है या उसको जेल में डाल दिया गया है मतलब ये डिबेट चल रही थी तो आपका रिस्पॉन्स इस पर लेना चाहूँगा मैं एहसान हाँ हाँ एक्जैक्टली कल जब ये हुआ तो दो तीन घंटों तक हम ख़ुद भी मॉनिटर कर रहे थे कि पाकिस्तानी चैनल क्योंकि एज आ रिपोर्टर कम चाह रहे थे कि उनके सोर्सेज क्या कह रहे हैं इस हमले के वाले से लेकिन ऐसा कोई ख़बर नहीं थी लेकिन जो मेरी पर्सनल असेसमेंट है मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मीडिया को कहा गया था कि आप लोग भी रिस्ट्रेंड शो करें और जब तक हक का तो पता ना हो और कुछ यहाँ पर इस्लामाबाद में लोग इस पर भी ना खुद ना खुश थे और असल जो उनके गुस्से का एक रीज़न था वो ये भी था कि अगर इस तरह का कोई वाक हुआ भी है ईरान की तरफ से तो अगर खामोशी होती तो इस चीज़ को हम मैनेज कर पाते लेकिन ईरानियन मीडिया ने उसको फौरन उठाया और फिर ईरानियन मीडिया से जो स्टेट मीडिया है उनसे फिर इंटरनेशनल मीडिया ने उस चीज़ को उठाया और रिपोर्ट करना शुरू किया और फिर तो स्टेट उस, मीडिया ने विड्रॉ कर लिया बना के जो कि बहुत ही सिक्का राजुल वक्त है वारदात का एग्जैक्टली exactly. नहीं उसके बाद अगर आप तेहरान टाइम्स देख लें इरना न्यूज देख लें या जो तो तस्नीम है तो उन्होंने तो उस चीज को यानी प्रोपेगेट करना शुरू किया तो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर पाकिस्तानी जो चैनल्स हैं उनको भी आज भी मैं कुछ टिकर देख रहा था तो उसमें मेरे ख्याल में जो स्टेट का नारेटिव है वो बयान करना उन्होंने शुरू कर दिया लेकिन कामरान कमेंट का जी इस जरा कीजिएगा मीडिया इमीडिएट आई थिंक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शायद जो मीडिया है हमारे स्टेट की एक पॉलिसी रही है ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात हों सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हों ये हमेशा देखने में आया है कि शायद हमारे मीडिया जो चलाते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को उस तरीके से नहीं हाईलाइट करना क्योंकि शायद उनको लगता है कि उसका एक बैक आ सकता है तो इस केस के अंदर भी आई थिंक uh, uh, जो uh, रियासत है शायद इनिशियली बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इसके ऊपर इतनी डिस्कशन हो तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है और उसके ऑब्वियसली बहुत सी रीजंस हैं सेक्टेरियन रीजंस भी हैं अदर रीजंस भी हैं कि शायद जब भी इवन uh, माजी में भी ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स uh, के इश्यूज uh, होते रहे हैं लेकिन जो पाकिस्तान की हमेशा पॉलिसी रही है इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ईरान की भी जो पॉलिसी रही है कि पब्लिक उस तरह से डिप्लोमेसी नहीं की ब्लेम गेम नहीं किया बट ऑफ लेट जो है अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं जब चेंज हुई हैं तो नेचुरली फिर अब उसका मेरे ख्याल में अगर अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो शायद मीडिया के ऊपर हमें ये जो इशू है वो ज्यादा प्रोमिनंस उसकी हमें नजर आएगी